Hello, hi guys, happy Dussehra to everyone. Dussehra have a very beautiful significance. Obviously the trump over good over bad, good over evil. But there are five lessons we can learn for MBA preparation for this journey. See, यार आपकी MBA preparation का journey जो है ना वो सबसे घटिया phase होने वाला of your life. अगर आप rewind करोगे ना अभी नहीं 30-40 साल के बाद कि तुम्हारी life का सबसे घटिया dark ages क्या थे उनमें से एक पक्का हो गई MBA preparation. बट द मोमेंट यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट MBA प्रिपरेशन वो तभी से आपका बैड टाइम चालू हो गया था बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर समथिंग गुड. कुछ अच्छा पाने के लिए पहले तो फेज आएगा ना कि पहले अगर जब माने के लिए थोड़ा तो झुकना पड़ेगा. सो फाइव लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम दशहरा फ्रॉम द राम जी की स्टोरी विच वी कैन ईजली यूज इन अवर MBA प्रिपरेशन. नंबर वन इज नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉमन मैन. हम सब कॉमन मैन है. हमको क्या लगता है कि जो MBA कर गया मतलब वो अमीर आदमी था, वो रॉकेट था, ये था, बहुत दिमाग था. ऐसा कुछ नहीं है. वो बंदे ने बस स्मार्टली पे करके कट ऑफ क्लियर कर लिया, उसका एम पे कॉल आ गया. टॉपर लोग होते हैं, नो डाउट. बट 1200 के 1200 लोग जो आई एम अहमदाबाद का सपोज कॉल लेके आ रहे हैं वो सबके सब दिमाग वाले नहीं होंगे. उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ कट ऑफ. रावण ने वही किया. रावण अंडर एस्टिमेट किया, एक मंकी आके मेरा क्या कर लेगा, एक अकेला राम आके मेरा क्या कर लेगा. ठीक है. सो दैट इज पॉइंट नंबर वन. नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉमन मैन. इफ यू थिंक यू आर अ कॉमन मैन यू कांट डू एनीथिंग बॉस, वी कैन डू एवरीथिंग. तुम ही करोगे. नंबर टू पॉइंट ऑन द लिस्ट इज अपनी ईगो को साइड पर रखो. ठीक है कि मुझे मैथ्स आता है, मुझे वर्बल आता है, मुझे ले भाई एग्जाम वाले दिन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग. और कैट तो फेमस है ही है कि एक स्लॉट ऐसा डालेंगे जिसमें कुछ नहीं कर पाओगे आप. ओके, सो ईगो को शांत रखिए. वी हैव टू मैक्सिमाइज माई स्कोर इन एवरी एरिया. मैथ्स, वर्बल, लॉजिक, हर एरिया में अच्छा करना पड़ेगा, चाहे वो CET हो चाहे वो कैट हो. एंड दशहरा इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द कैट एग्जाम. बिकॉज जिसका भी लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा दिस एंड दैट, भाई अभी भी तुम जाग जाओ. वी हैव गॉट 50 days फॉर द कैट एग्जाम. वी कैन स्टिल डू वंडर्स. ठीक है. पॉइंट नंबर थ्री, एवरीथिंग, एवरी डीमन, चाहे वो तुम्हारे लिए वर्बल हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रावण हो, विल हैव अ वीक एरिया. ठीक है. रावण के जितने मर्जी सर काट दो, द हैड यूज टू कम अप अगेन, बट नाभि में तीर मारना वॉज द मेन मास्टर स्ट्रोक. सेम वे मैथ्स, वर्बल, लॉजिक, ज्योमेट्री, इक्वेशंस, जो भी तुम्हारा एक वीक एरिया है उसको तोड़ने का कोई तरीका होगा. ठीक है, जी स्ट्रैटेजी होगा. सो रावण को मारने का जी स्ट्रैटेजी वॉज कि नाभि मारो. वो सीक्रेट आपको पता करना. वो सीक्रेट शायद आपके पास ना हो, या तो तुम प्रैक्टिस कर करके हर जगह तीर मार मार के देख लो कहाँ पर चलता है, या फाइंड समवन, विभीषण, जो तुम्हें गाइड कर सके, या सो योर टीचर, योर मेंटर, जो भी तुम्हारा वीक एरिया उससे बात करके पूछो कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. ठीक है, ताकि हम अपने सारे सीक्रेट्स को इम्प्रूव कर सकें. ओके, नंबर फोर पॉइंट इज व्हाट आई लव अबाउट रामायण का स्टोरी इज राम जी अकेले जाके चलते गए. ठीक, और लोग उनके साथ आते गए. ठीक है, हनुमान मिलता गया, सुग्रीव मिलते गए, वानर सेना बनती गई, वो लंका भी पहुंच गए. सो द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टोरी इज द ग्रोथ. कि आप भी चलते जाओगे, मैथ जितना तुम पढ़ते जाओगे, मैथ, वर्बल, लॉजिक, DI, उतने टॉपिक तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे. फाइन, गेम्स एंड टूर्नामेंट अच्छा लगना स्टार्ट हो गया, ज्योमेट्री अच्छा लगना स्टार्ट हो गया. सो यू फील दैट कि हर कॉमन मैन के सेम अगेन कमिंग बैक टू सेम थीम ओनली कि कॉमन मैन के तुम्हारे साथ टॉपिक आते जाएंगे. तुम्हें बस चलना है, तुम बस मेहनत करना, डायरेक्शन बस पता हो कि लंका जाना है कि वहाँ जाना है. एक बार वो डायरेक्शन पता लग गई राम जी को, ही कुड फाइंड द सपोर्ट ऑफ एवरी वन अलॉन्ग द वे. तो आपको भी बहुत लोग सपोर्ट करेंगे आके. फाइन, लास्ट इज ऑफ कोर्स द गुड वर्सेस इविल. ये आपका जो लाइफ का फेज है, सबसे गंदा फेज चल रहा है, तो इस इविल को पार करने के लिए हमारे पास एक MBA कॉलेज आपको मिलेगा. ठीक है, वो आपको 20 लाख की जॉब वाला एवरेज पैकेज वाला मिलता है कि 10 लाख वाला मिलता है, वो किस्मत बताएगी साल के बाद, 6 महीने बाद. तब तक अपने हाथ में वो है नहीं, अपने हाथ में है हार्डवर्क करना. लेट्स कीप आवर हार्डवर्क अप और जो होगा साथ में देखा जाएगा. एंड ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दशहरा वंस अगेन.